नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां सरायगंज थाना क्षेत्र के खजूरी चौक के पास हुई भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। घायल युवक का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। घटना मंगलवार 4 जुलाई की अहले सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत व्यक्ति की पहचान सरायगंज थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी 60 वर्षीय रामचंद्र महतो के रूप में की गई है। उधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सभी सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। घटना उस वक्त हुई जिस वक्त मृतक एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहा था। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विद्याप्ति नगर थाना क्षेत्र में किसी शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां से शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने एक अन्य साथी के साथ स्कूटी पर सवार होकर मंगलवार 4 जुलाई की अहले सुबह अपने घर सरायगंज थाना क्षेत्र के खजूरी गांव वापस लौट रहे थे कि अचानक किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों तथा परिजनों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायलों में से एक घायल व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दरभंगा DMCH रेफर कर दिया। हालांकि घायल के परिजन उसे DMCH नहीं ले जाकर जिला के ही किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं मौत की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल में मौजूद मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मधेपुर से आ रहे थे खजूरी चौक पे घटना घटी है। कैसे घटी है वो तो फिलहाल में जानकारी नहीं है। TVS स्कूटरी था वो मालूम नहीं है। मैं सो के ही उठा।